गया के मानपुर प्रखंड स्थित उसरी पंचायत के नौधरिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शौचालय नहीं है, जिसके कारण महिला शिक्षिका और छात्राओं को काफी परेशानियां होती हैं। इस कारण छात्र छात्राओं का संख्या नगण्य रहती है, जबकि इस विद्यालय में केवल 2 कमरे बने हुए हैं और कुल नामांकित छात्रों की संख्या लगभग 200 से अधिक है। लेकिन विद्यालय में प्रतिदिन 20 से 25 छात्रों की उपस्थिति होती है, जबकि प्रतिदिन मध्याह्न भोजन के लिए 150 से अधिक छात्रों का उपस्थिति दिखाई जाती है। जब मीडिया के लोग इस बात की जानकारी प्रधानाध्यापक से जानने की कोशिश की तो प्रधानाध्यापक विद्यालय से चले गए। उपस्थित ग्रामीणों ने कहा कि शिक्षकों की लापरवाही बरतने के कारण बच्चे के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। पढ़ाई नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा, शिक्षक यहां आते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कर 2-3 घंटे बाद चले जाते हैं। बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि मध्याह्न भोजन तक इनको मतलब होता है, उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। जब जिला शिक्षा पदाधिकारी राजदेव राम से इस बाबत बात की गई तो उन्होंने कहा, मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसे तत्काल निरीक्षण कर जानकारी ली जाएगी। जमीन जो गिराते भर में स्कूल का जमीन है, 123 फीट लंबाइया और 22.5 फीट चौड़ाइया जमीन है। उत्तर दक्षिण पूरे पश्चिम का थी है, इसमें जमीन नहीं दिया गया है। उत्तर थोड़ा सा हेडमास्टर साहब भी जो कि नोटिस निकाला लगे, किसी भी नोटिस हेडमास्टर देखने नहीं गए हैं कि क्या स्कूल का नोटिस है, क्या दिया गया, क्या बयान में आया, अभी तक नहीं देखने गए हैं। और सबसे बड़ा मैडम भी आया शौचालय के लिए, इतना जमीन जाते हुए शौचालय नहीं है। और लड़कन हम तो देख रहे हैं जब से करीब लड़कन यहाँ घटते जा रहा है। इस विद्यालय में शौचालय है ये नहीं है, नहीं मध्य विद्यालय में नौधरिया में शौचालय है ये नहीं है। एक तरफ सरकार बात करते हैं जहाँ सोच वही शौचालय है, स्कूल में शौचालय के लिए अलग अलग सुविधा दी जा रही है। तो सर देखिए ना, देखने की चीज ना सरकार आकर देखे नहीं, यहाँ शिक्षा मंत्री तो भाई वहाँ बैठा रहता है जाकर के, यहाँ देखे जाकर के फिर मास्टर साहब आते हैं तो रूम में जाकर बैठा रहते हो, कहाँ देख रहे लेटरिन बना दी बैठ के यहाँ पर। अच्छा तो अभी फिलहाल क्या दिक्कत हो रहा है ये सब? यहाँ बहुत दिक्कत है सर, बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए। कितना बच्चा आता है? करीब हम बच्चा तो मध्य विद्यालय में कम से कम 250-300 बच्चा होना चाहिए, मध्य विद्यालय है। अभी कितना बच्चा है? अभी क्या देखना रहे कर बच्चा है, 20 को बच्चा भी नहीं होगा। बच्चा नहीं आने के कारण? नहीं आने के कारण है, तो मास्टर गलती है, नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है भाई, टीचर गलती है, इसको आप अधिक कीजिए। आपके पास बीओ साहब है, सारा चीज आपके पास, आप प्रबंधन को लिख सकते हैं ना, को लिख सकते हैं ना। जांच अधिकारी नहीं आते यहाँ? आते हैं जांच अधिकारी, क्या करते हैं दोनों जानेंगे। आज तक गाँव का जनता किसी मीटिंग में नहीं लगा है, कौन सचिव है, कौन अध्यक्ष है, कौन आज तक नहीं बताया क्या है यहाँ है, जो कुछ नहीं बताया। पर्चे दीजिए। पर्चे, मेरा नाम राजीव रंजन पांडे, ग्राम नौधरिया। आज छोला कितना बजे मिलता है? 12:30 बजे। अच्छा, लंच के टाइम में। क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास में। कहाँ घर हुआ? नौधरिया। ये भी बताया है, मैं जांच करवाता हूँ उसका, यदि जगह है तो हम लोग भवन बनवाने की कोशिश करेंगे और शौचालय भी देखते हैं, यदि फंड आया होगा इस साल तो हम लोग उसका बजटीय प्रोविजन कराएंगे, यदि नहीं फंड होगा तो। और जहाँ तक है शौचालय के, शौचालय तो हर जगह बना हुआ, लेकिन ये देखने की बात है कि अभी तक क्यों नहीं शौचालय वहाँ बना, या तो जमीन का अभाव हो सकता है या जमीन की क्या स्थिति है, मैं स्थलीय जाँच करवाता हूँ अभियंता से। या सर, में कुछ ऐसे विद्यालय जो मंदिर में चल रहे हैं, मंदिर में पाठन क्रिया हो रहा है, जैसे कंदोई में हम है कुछ विद्यालय जो टेम्पररी भवन में चल, उनको शिफ्ट करने के लिए दिया गया है आदेश कि अपने। नहीं सर, एक स्कूल है सर वार्ड नंबर 29 में प्राथमिक विद्यालय, वो मंदिर में मतलब एकदम खुला नहीं चलता है, तो खैर गर्मी में तो चल रहा था, चल जाएगा, लेकिन अभी का क्या स्थिति है मंदिर वाले के लिए? हम लोग किए हैं कि जो भी नज़दीक है मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल, उनके उनको शिफ्ट करने के लिए हम आदेश दिए हुए हैं। यदि इस तरह मामला है कहीं संज्ञान में तो उसको हम लोग देखवाते हैं। ठीक है सर, ठीक।